नमस्कार, टेस्ट के तड़के में आपका स्वागत है। आज हम बनाते हैं आलू सैंडविच। बच्चे इसे खुश होकर खाते हैं। इसके लिए चाहिए हमें 4 आलू उबले हुए, ताज़ा ब्रेड, कटा हुआ बारीक धनिया, 2 कटी हुई बारीक हरी मिर्च, 1 बड़ा प्याज कटा हुआ बारीक, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, 1/4 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच अमचूर, थोड़ा सा चाट मसाला। और तलने के लिए चाहिए हमें घी। आप तेल लेना चाहे तेल ले सकते हैं, घी लेना चाहे तो घी ले सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम डालेंगे कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 1/2 चम्मच मिर्च, 1/2 चम्मच नमक, थोड़ा सा जीरा, 1/2 चम्मच चाट मसाला, अमचूर। अमचूर की जगह आप नींबू डालना चाहे तो नींबू भी डाल सकते हैं। अब हम इन उबले हुए आलू को और मसाले को मैश कर लेते हैं। अब ब्रेड के ऊपर इस तरह से हम आलू जो तैयार किए हमने भर लेते हैं, और इसके ऊपर फिर हम दूसरी ब्रेड थोड़ा सा हल्के हाथ से इसको दबा लो। इसी तरह से आप 2-4 पीस तैयार करके रख ले पहले, उसके बाद फिर हम उनकी सिकाई करेंगे। अब हम आलू सैंडविच की सिकाई करते हैं। इसके लिए सबसे पहले गैस चलाकर तवा रखते हैं, उसके ऊपर थोड़ा घी डालिए। घी लगाने के बाद अब सैंडविच सिकाई के लिए रखिए। हल्की हल्की मंदी गैस पे इसकी सिकाई करेंगे तो सिकाई अच्छी होगी, नहीं तो ऊपर से ब्रेड जल जाएगी और आलू नहीं सिक पाएंगे। ब्रेड के चारों तरफ थोड़ा थोड़ा घी डाल दीजिए ताकि नीचे से जले ना। हल्का हल्का इसको दबाते रहिए ताकि अंदर से मरम अच्छी तरह से इसका सिक जाए। अब हम एक चाकू से इसको काट लेते हैं। एक चिमटे की सहायता से इसको नीचे से भी सेक लेंगे ताकि कच्चापन ना रहे। सैंडविच सिक के तैयार हो गए हैं। एक प्लेट में हम इसे निकाल लेते हैं। अब आप इसको खट्टी मीठी चटनी उनके साथ खा सकते हैं, साथ में चाय भी ले सकते हैं।